छठ पर्व को लेकर रेलवे स्टेशन पर बढ़ती भीड़ के दृष्टिगत बृहस्पतिवार को चेकिंग अभियान चलाया गया। जीआरपी पुलिस टीम ने यात्रियों से पूछताछ करने के साथ सामग्री आदि की भी जांच की गई। कोई भी आपत्तिजनक वस्तु नहीं मिली। जीआरपी प्रभारी निरीक्षक विजय प्रताप सिंह के नेतृत्व में रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म सर्कुलेटिंग एरिया में चेकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान स्टेशन पर बैठे यात्रियों को किसी भी लावारिस वस्तु को न छूने, लावारिस वस्तु मिलने पर जीआरपी व आरपीएफ को सूचित किए जाने, जहर खुरानों से सावधान रहें, किसी भी अपरिचित की ओर से दिया गया कुछ भी ना खाने पीने की जानकारी से अवगत कराया गया। इस दौरान पुलिस ने विभिन्न ट्रेनों में चेकिंग अभियान चलाया। तो आप उसकी सूचना तत्काल जीआरपी और आरपीएफ को दीजिए ताकि उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जा सके। तथा भी किसी भी व्यक्ति का दिया हुआ खाद्य पदार्थ, इस संबंध में गोरखपुरी संवाददाता से बात करते हुए जीआरपी थाना प्रभारी निरीक्षक विजय प्रताप सिंह ने कहा, हम लोग ट्रेनों की सुरक्षा के लिए स्पेशली मैंने अपने गोरखपुर में हम लोगों ने 6 टीमें बना रखी हैं। QRT प्लस AS चेक टीम है जो ट्रेनों में और प्लेटफार्मों पे चेकिंग करते हैं और हादसों को टालने के लिए कोई ज्वलनशील पदार्थ या पटाखे या गैस सिलेंडर लेके कोई ट्रेन में न चले, इसके लिए हम लोग प्रॉपर चेकिंग करते हैं। और ऐसी कोई जानकारी मिलती है, कभी कभी ऐसी जानकारी मिलती है कि कोई लोग गैस सिलेंडर लेके जा रहे हैं जिसकी वजह से हादसा हो सकता है, तो सिलेंडर को उतार के हम लोग उसको प्रॉपरली सीज करके जमा कराते हैं आरपीएफ में। ये कार्रवाइयां होती रहती हैं, चेकिंग करते रहते हैं, किसी प्रकार कोई ज्वलनशील पदार्थ लेकर चले इसके लिए हम लोग अनाउंसमेंट भी करते रहते हैं ट्रेनों में, प्लेटफार्मों पे लोगों को जागरूक करते हैं कि कोई ज्वलनशील पदार्थ लेके मत चलिए, जिससे ट्रेनों में जो हादसे हो रहे हैं वो कहीं पुनरावृत्ति न होने पाए। सर, सबसे बड़ी बात है बिहार से और मुंबई से लोग छठ मनाने बड़ी संख्या में आ रहे हैं, देखा जा रहा है चोरी छुपे लोग छोटा सिलेंडर रख ले रहे हैं, ऐसे में उन लोगों पर किस तरह कार्रवाई करें और ट्रेनों में किस तरह चेकिंग आप करें? नहीं, हम लोग ट्रेनों में कार्रवाई करते हैं, उनके खिलाफ आरपीएफ में मुकदमे पंजीकृत कराए जाते हैं और उन सिलेंडरों को बाकायदा कब्जे में लिया जाता है और उनको सलाह भी दी जाती है तथा चेतावनी भी दी जाती है कि आप लोग भविष्य में ऐसा न करिए। सुरक्षा के लिए हम लोग प्रॉपरली चेकिंग कर रहे हैं। हाँ, भीड़ बहुत ज्यादा ट्रेनों में आ रही है, थोड़ी दिक्कतें हो रही हैं ट्रेनों में चेक करने में, लेकिन फिर भी हम लोग पूर्ण रूप से चेकिंग करते हैं। यात्रियों से क्या अपील करना चाहते हैं? यात्रियों से हम लोग अपील करते हैं कि कोई भी ज्वलनशील पदार्थ या गैस सिलेंडर या कोई विस्फोटक पटाखे इत्यादि ये लेकर के ट्रेनों पे यात्रा न करें।